हेलो, नमस्कार दोस्तों। 3 फरवरी 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू के इम्पोर्टेंट एडिटोरियल के साथ कुछ मेन से क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। तो चलिए हमारी डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। देखो, आज का जो मेनली क्वेश्चन था वो मैं यहाँ पे अपलोड करना भूल गया हूँ, तो आपको क्वेश्चन बता देता हूँ कि क्वेश्चन कौन सा है। वो आपको मेनली वेबसाइट पे लिंक है वो नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्वेश्चन है वो एक्चुअली है कि आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है कि जो अभी यूनियन बजट पेश किया गया 2018-19 का, उसमें फार्मर्स के लिए किस तरीके के स्टेप हैं वो उठाए गए हैं। तो उन चीज़ों को, सारे जो स्टेप उठाए हैं गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, उनको आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है। तो इसमें आपको कुछ पॉइंट्स जैसे इस तरीके से बताने हैं कि सबसे पहले आप स्टार्टिंग में इंट्रो के बारे में इंट्रोडक्शन दे सकते हो कि फार्मर्स जो मतलब फार्मर सेक्टर वो इंडिया के लिए किस लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, सभी को खाद्यान्न सुरक्षा है वो प्रोवाइड करवाता है। इसके बाद में आप पॉइंट बता सकते हो कि गवर्नमेंट ने अभी कौन कौन से नए स्टेप है वो उठाए हैं इस बजट में, तो वो सारे पॉइंट्स वो आपको बताने हैं। हमने कुछ पॉइंट कल डिस्कस भी किए थे और कुछ आप में इंटरनेट से या मतलब साइट से देख के वहाँ से भी आप पॉइंट है वो चेक कर सकते हो। तो गवर्नमेंट ने अभी नए बजट में क्या प्रावधान किए हैं वो पॉइंट आपको यहाँ पे ऐड करने हैं। इसके बाद में आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है कि एक तो जैसे गवर्नमेंट ने क्लाइमेट चेंज का जो टॉपिक है उसको इस चीज़ में एड्रेस नहीं किया है। इसके बाद में आपको ये बताना है कि जो भी एक डिमांड है वो चेंज हो रही है, और डिमांड को भी गवर्नमेंट वो फुलफिल नहीं कर पा रही है, और इसी के साथ जो फार्मर सुसाइड कर रहे हैं उनका भी इस चीज़ में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, उनके लिए क्या स्टेप गवर्नमेंट उठा रही है। तो हम लोग कहीं ना कहीं चीज़ें कमी रह रही है वो बताने। इसके साथ आप बता सकते हो कि फंड है वो भी प्रॉपर ढंग से एलोकेट नहीं किया गया, मतलब जितनी फंड की जरूरत है उतना नहीं, क्योंकि देखो आप जानते हो कि भारत डेवलपिंग कंट्री है, तो डेवलपिंग कंट्रीज के पास क्या फंड का थोड़ा इशू रहता है, तो इसलिए जितना फंड चाहिए होता है उतना फंड गवर्नमेंट है वो नहीं प्रोवाइड करवा रही है। तो वो सारे पॉइंट आप यहाँ पे इस आंसर में ऐड कर सकते हो। क्वेश्चन है वो आपको 250 वर्ड में आपको अटेम्प्ट करना है। तो क्रिटिकल एनालिसिस जैसे मैंने बता दिया क्वेश्चन का, बाकी आपको जो क्वेश्चन है वो वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वो मिल जाएगा। इसी के साथ फेसबुक पेज है वहाँ से भी आप क्वेश्चन है वो देख सकते हो। तो अब चलते हैं डिस्कशन की तरफ। देखो, जो पहला ये आर्टिकल है ये मेनली 19 जनवरी का है, उस दिन मंडे को हमने एक आर्टिकल नहीं डिस्कस किया था। तो आज फ्राइडे, आज सॉरी सैटरडे, तो सैटरडे को आर्टिकल्स कुछ कम ही होते हैं द हिंदू में। तो उस दिन का एक आर्टिकल हुआ है शहरीकरण अर्बनाइजेशन के बारे में, कि इंडिया में अर्बनाइजेशन किस तरीके का है और कैसे क्या स्टेप उठाने चाहिए गवर्नमेंट को उसके बारे में। तो यह मेनली GS1 के लिए भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें पॉइंट्स देख लेते हैं। देखो, आर्टिकल की शुरुआत में ये बताया गया है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद क्या कि सारे पूरे विश्व को ही एक्चुअली अर्बनाइजेशन के लिए स्टेप उठाने थे। तो यूएसए ने क्या है कि जो वेस्टर्न यूएसए है उसने एक्चुअली यूरोपियन मॉडल को नहीं अपनाया, क्योंकि यूएसए के पास काफ़ी सारा पैसा था, तो पैसे की तो दिक्कत थी नहीं यूएसए को। तो यूएसए अपने खुद का अलग अलग मॉडल लेके आया और अपने सिटीज़ को अपने अकॉर्डिंग है वो डेवलप किया। और रही बात यूरोपियन कंट्रीज की, तो यूरोपियन कंट्रीज का उस टाइम पे हाल ही हो चुका था कि यूरोप की जो सिटीज़ थी वो काफ़ी कंजस्टेड हो गई थी, क्योंकि देखो यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था वो काफ़ी पहले आ चुका था, तो इसलिए वहाँ के हालात मतलब सिटी हैं वो काफ़ी कंजस्टेड टाइप की हो गई थी। वहाँ पर सर रिफ्यूजीज की प्रॉब्लम है, वो सारी शरणार्थियों की समस्या वो बढ़ती जा रही थी, और इसी वजह से उस मॉडल को है वो यूएसए ने नहीं अपनाया था। और अब बात देखते हैं हम इंडिया की। तो आर्टिकल में बताया गया कि देखो इंडिया भी है वो 1947 के बाद अपने जो भी सिटीज़ हैं उनको प्रॉपर ढंग से डेवलप वो नहीं कर पाया, मतलब जिस तरीके से डेवलप करना था नए सिरे से वो डेवलपमेंट है वो नहीं कर पाया इंडिया अपनी सिटीज में। समस्या देखो सिटीज में बहुत हैं और कानून है वो आज भी पुराने चल रहे हैं। आप एग्जाम्पल ले सकते हो दिल्ली का, एग्जाम्पल ले सकते हो मुंबई का, जिन्हें किसी भी सिटीज का आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि जो सिटी को जो रेगुलेट करने के लिए जो रूल रेगुलेशन है वो पुराने कानूनों को ही सहारा लिया जाता है, मतलब गवर्नमेंट नए रूल रेगुलेशन है वो नहीं बना रही है। जैसे आप अभी देख सकते हो कि रिसेंटली सिटीज़ में कौन कौन सी समस्या है, जैसे कि एक तो डेमोग्राफी है वो ही चेंज हो गई है। आप सबसे अच्छा एग्जांपल दिल्ली का ही ले लो कि दिल्ली जब इंडिया आज़ाद हुआ था उस टाइम पे क्या हालत थी, और उस टाइम पे इस टाइम पे दिल्ली की कैपिटल, दिल्ली की मतलब जो पॉपुलेशन थी वो बहुत कम थी, और आज दिल्ली की पॉपुलेशन वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो एक तरीके से डेमोग्राफी है वो पूरी चेंज हो चुकी है, इसके बाद पॉपुलेशन है वो भी पूरी बदल चुकी है, मतलब पॉपुलेशन वो भी बहुत ज़्यादा हो गई है पहले से। तो आज के अकॉर्डिंग जो आज की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग रूल रेगुलेशन होने चाहिए ताकि सिटी में जो रहने की समस्या है उसको दूर किया जा सके। इसके बाद में आर्टिकल कह रहा है कि देखो सिटी है उसमें टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते हैं तो उससे काफ़ी दिक्कत होता है, और अभी हो क्या रहा है कि अमीर लोगों काफ़ी अमीर हो रहे हैं, गरीब लोग काफ़ी गरीब हो रहे हैं, मतलब अमीर और गरीब के बीच की गैप है खाई है वो बढ़ती जा रही है। क्योंकि देखो कुछ लोग ऐसे हैं हमारे सिटीज़ में, मतलब दिल्ली का एग्जाम्पल कहीं से भी ले लो आप सिटी का एग्जाम्पल, कि वहाँ पर अमीर लोग हैं उनके पास काफ़ी सारे घर हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए घर भी नहीं है, सिंगल एक मकान भी नहीं है, तो गैप वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसे स्टेप उठाने चाहिए ना कि जिन लोगों के पास 10-10, 15-15 घर हैं वो एटलीस्ट एक बाकी घरों को नहीं रख, मतलब कुछ इस तरीके के प्रावधान लेके आने चाहिए, कुछ ऐसी लिमिट्स रेगुलेशन लेके आने चाहिए ना, ताकि बाकी लोगों को भी घर है वो मुहैया करवाया जा सके। तो इसके बाद में एग्जांपल मैंने दिल्ली का लिया गया था, आर्टिकल में एग्जांपल लिया गया था दिल्ली के
मेनली इंडिया गेट वाले एरिया का, कि इंडिया गेट वाला एरिया वो दिन में कितना खुला रहता है, जबकि रात वो उसी जो मैदान, जो वहाँ पे मैदान है उसमें गरीब लोग हैं वो वहाँ पे सोते हैं। तो आप देख सकते हो कि वो जब दिल्ली बसाई गई थी तो उस टाइम पे ऐसा सोचा थोड़ी गया था कि भाई दिल्ली में इस तरीके से रिफ्यूजीज हैं, मतलब इस तरीके से जो शरणार्थी और बाकी लोग हैं वो लोग यहाँ पे आके बसने लग जाएंगे, माइग्रेशन है वो दिल्ली में इतना बढ़ जाएगा। तो आज हमें देखना चाहिए कि वहाँ पे ऐसी समस्या हो रही है, तो गवर्नमेंट को उसके अकॉर्डिंग स्टेप उठाने चाहिए। इसके बाद में बात यह आ रही है कि आज हालात है, सब कुछ चेंज हो गए, तो गवर्नमेंट को नए रिफॉर्म लेके आने होंगे। इसी के साथ इंडिया को एक्चुअली यूरोप का मॉडल नहीं अपनाना चाहिए, इंडिया को मॉडल अपनाना चाहिए वेस्टर्न अफ्रीका का, मतलब इंडिया को जो संघाई हुई कोपेनहेगन जो इन सिटीज हैं इनका मॉडल नहीं अपनाना है। क्यों नहीं अपनाना है? देखो, क्योंकि वेस्ट अफ्रीका है वो इंडिया के काफी सिमिलर है। वेस्ट अफ्रीका की जो कंट्रीज हैं वो एक्चुअली एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी पे थी, और इंडिया भी आपको पता है कि मेनली अभी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी पे ही था। तो इंडिया की और जो सिचुएशंस हैं वो जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं वेस्टर्न अफ्रीकन की, उनकी सिचुएशंस कुछ सेम ही है। तो इंडिया को उस मॉडल को अपनाना चाहिए मेनली किस चीज के लिए, जैसे कि अफ्रीका में क्या होता है, अफ्रीका में मैंने रिफ्यूजी शरणार्थियों की प्रॉब्लम होती है तो उस पर ज़्यादा फोकस किया जाए, फोकस किया जाता है नई सिटी में। इसके साथ ही एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी होती है तो उसको भी, जैसे आप देखते हो कि दिल्ली है तो दिल्ली के आसपास के जो एरिया है गुड़गांव है वो वाला एरिया, तो वहाँ पर मैंने लिखा अभी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, तो उस वाली चीज़ को हमें फोकस करना चाहिए और उसी के ऊपर हमें हमारी जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है उसको ध्यान में रखते हुए हमारी सिटीज़ का अर्बनाइजेशन है उस पर ध्यान रखना है। आगे फिर लास्ट में आर्टिकल में वो भी कहा जा रहा है कि इंडिया वो मेनली एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, तो इसलिए सिटी के आसपास का जो एरिया वो मेनली एग्रीकल्चर पे रहता है, तो इसलिए गवर्नमेंट को ऐसे स्टेप उठाने चाहिए ताकि जो आसपास का एरिया है वहाँ से ज़्यादा लोग हैं, मतलब एक तरीके से माइग्रेशन है वो सिटी के अंदर ना हो, और इस तरीके के प्रावधान करने चाहिए। तो अब देखो आर्टिकल लास्ट में दो सुझाव दे रहे हैं, पहला सुझाव ये दे रहे हैं कि एक तो जो नई पॉलिसी है वो बनानी चाहिए माइग्रेशन, जो रिफ्यूजीज जो माइग्रेंट्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग, मतलब हमारे देश में जो भी सिटी के अंदर जो भी रिफ्यूजीज आ रहे हैं पास पास के एरिया से माइग्रेंट्स आ रहे हैं उनको फोकस करना चाहिए कि भाई उनके लिए क्या प्रावधान हो। दूसरी बात यह है कि कुछ सर्विसेज हैं वो कुछ टाइम के लिए बैन कर देनी चाहिए, ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको मेनली ड्रेकनियन मॉडल भी बोलते हैं, जो कि कुछ यूरोपियन सिटीज़ में और मेनली ये संघाई या चाइना के अंदर अपनाया गया था। इस मॉडल में क्या होता है कि जैसे गवर्नमेंट ऐसे कुछ प्रावधान कर देते हैं कुछ टाइम के लिए कि भाई जिसके पास घर है जिसके पास गाड़ी है वही इस एरिया में रहता है, मतलब थोड़ा क्या है कि क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन कर ले ताकि वहाँ पर क्या कि बाकी लोग आ ना जा सकें, और जिसकी वजह से क्या होगा कि सिटी में जो फालतू की पॉपुलेशन होती है वो नहीं होगी, मतलब एक तरीके से फालतू का जमावड़ा है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो गवर्नमेंट को कुछ हद तक ऐसे स्टेप भी उठाने चाहिए, तो ये राइटर के द्वारा कुछ सुझाव हैं वो दिए गए हैं। तो अब चलते हैं हम अगले आर्टिकल की तरफ। आज जो आर्टिकल है एक पहला वो आया है मेनली हेल्थ केयर स्कीम के बारे में। तो हेल्थ केयर स्कीम के बारे में आर्टिकल में ये कहा गया है कि देखो गवर्नमेंट है वो हेल्थ केयर स्कीम लेके आई है, नई हेल्थ प्लान लेके आई है, काफ़ी अच्छी बात है, बट गवर्नमेंट को इसके लिए रोड मैप है वो बनाना चाहिए, मतलब नई हेल्थ पॉलिसी के लिए। ऐसा नहीं हो कि गवर्नमेंट के प्लान धरे के धरे रह जाएं और कोई गवर्नमेंट बिना रोड मैप के काम करे। अब देखो आर्टिकल स्टार्टिंग में शुरुआत ऐसे कर रहा है कि 3 साल हो गए हैं नई गवर्नमेंट को आए हुए, जो मतलब अभी रिसेंटली बीजेपी गवर्नमेंट की बात की जा रही है, एनडीए गवर्नमेंट को 3 साल हो गए हैं, उसके बावजूद भी गवर्नमेंट है वो हेल्थ केयर पे, यूनिवर्सल हेल्थ केयर पे ढंग से फोकस नहीं कर पाई है। जबकि गवर्नमेंट स्टार्टिंग में आते ही गवर्नमेंट ने कहा था कि हम यूनिवर्सल हेल्थ केयर है वो लेके आएंगे, ये स्टेप उठाएंगे, बट ऐसा नहीं हो पाया। और स्टार्टिंग में फिर बात की जाती है कि 2 साल पहले गवर्नमेंट है वो नई हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लेके आई थी, जिसके तहत ये प्रावधान था कि भाई 1 लाख रुपये का टारगेट रखा गया था कि जो भी लोग हैं सभी लोगों को मतलब 1 लाख रुपये की जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो प्रोवाइड कराई जाएगी, बट हुआ क्या 23,000 की इंश्योरेंस है वो भी प्रोवाइड नहीं की गई। तो इसका मतलब क्या कि गवर्नमेंट के पास फंड नहीं था प्रॉपर ढंग से, प्रॉपर जो रोड मैप है वो नहीं बनाया गया था, आनन फानन में स्कीम वो लेके आई गई थी। तो अब आर्टिकल ये कह रहा है कि देखो कोई बात नहीं, गवर्नमेंट अभी नई स्कीम लेके आई है जो है आयुष्मान भारत, तो गवर्नमेंट अभी आयुष्मान भारत जो स्कीम लेके आई है 2022 के लिए, मतलब 2022 तक का जो टारगेट रखा गया है, इस स्कीम में गवर्नमेंट के मेन दो मोटो हैं, एक तो है कि ओपनिंग हेल्थ केयर सेंटर, मतलब नए हेल्थ केयर सेंटर ओपन किए जाएंगे जहाँ पर जो भी डिजीज है उसका डायग्नोस्टिक सेंटर होगा, और उसके अकॉर्डिंग जो हमारी नेशनल हेल्थ केयर जो पॉलिसी है उसको कंसिडर किया जाएगा। इसी के साथ जो मेडिसिन है उनका डिस्ट्रीब्यूशन है वो किया जाएगा। इसी के बाद में दूसरा उसका मेन टारगेट था वो था कि नेशनल हेल्थ केयर प्रोटेक्शन स्कीम, मतलब NHPS नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, इसमें ये प्रावधान रखा गया गवर्नमेंट का कि भाई गवर्नमेंट है वो 10 करोड़ लोगों को इंडिया में 5 लाख तक की हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज है वो देगी। तो ये गवर्नमेंट को दोनों टारगेट पूरे करने हैं तो ये काफ़ी चुनौती भरे टारगेट हैं, और इनको अगर गवर्नमेंट को पूरा करना है तो पहले से रोड मैप वगैरह सब कुछ क्लियर करना होगा कि हमें ऐसे ऐसे स्टेप उठाने, ऐसा नहीं कि बाद में कहीं गवर्नमेंट कहेगी नहीं हम तो ये काम कर नहीं पाए, तो पहले से सारा काम डिसाइड करना है कि हमें काम किस तरीके से करना है।
इसके बाद में देखो आर्टिकल ये बता रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जो रोड मैप बना के काम करना है उसमें कुछ प्रावधान ऐसे करने हैं कि सभी स्टेट्स हैं वो एक तरीके से जो सभी स्टेट्स हैं वो ढंग से जो हेल्थ प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड करा सकें। और इसी के साथ आर्टिकल कह रहे हैं कि देखो कुछ स्टेट तो ऐसे हैं जहाँ पे गरीबों को पहले ही हेल्थ कवरेज है वो दिया जा रहा है, बट दिक्कत क्या होती है वहाँ पे, दिक्कत ये होती है कि अगर कोई भी मतलब गरीब लोग होता है अगर वो प्राइवेट सेक्टर में ट्रीटमेंट कराता है तो उसको हेल्थ कवरेज में इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो एक तो इस चीज़ को हमें दूर करना है, और इसी के साथ कई बार क्या कि करप्शन वगैरह के भी चार्जेस लगते हैं, लीकेज वगैरह कि प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो फालतू के टेस्ट करवाते हैं कि उन्हें पता चल जाता है कि अच्छा यहाँ पे मतलब जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल तो क्या होते हैं उनको पता होता है कि हाँ अच्छा इसका तो हेल्थ इंश्योरेंस है, तो वो क्या करते हैं फालतू के 15-20 टेस्ट लिख देते हैं, वो सोचते हैं कि कस्टमर का तो पैसा लग ही नहीं रहा, गवर्नमेंट का पैसा मिल रहा है, तो इससे गवर्नमेंट को लॉस होता है, और गवर्नमेंट को लॉस होता है उससे क्या होता है गवर्नमेंट ज़्यादा लोगों को हेल्थ स्कीम वो नहीं प्रोवाइड करा सकती है। तो एक तो गवर्नमेंट को मॉनिटरिंग सिस्टम इस तरीके के मैकेनिज्म लेके आनी होगी ताकि जो भी इस तरीके के करप्शन या जो भी लीकेज होती है उनको दूर किया जा सके, क्योंकि देखो अगर गवर्नमेंट का पैसा बचेगा तो उससे फायदा होगा कि गवर्नमेंट ज़्यादा लोगों को हेल्थ स्कीम या हेल्थ कवरेज वो दे पाएगी। तो एक तो इस तरीके के स्टेप उठाने हैं। इसी के साथ आर्टिकल कह रहा है कि देखो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके सामने काफी सारे चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि एक तो उनकी इकोनॉमी वो बढ़ रही होती है तो उनको वैसे भी फंड की जरूरत होती है, और फंड उनके पास ऑलरेडी काफी कम होता है, डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई वाली कम सिचुएशन की हालत होती है। तो इंडिया को भी मेक्सिको की एग्जाम्पल दिया जाता है कि भाई इंडिया को मेक्सिको के जो है उनके हाल मेक्सिको के हालात को फोकस करना चाहिए, मतलब मेक्सिको में भी किस तरह की पॉलिसी अपनाई गई थी आज से 10 साल पहले, तो वो भी स्टेप हमें यहाँ पे देखने हैं। फिर देखो आर्टिकल कह रहा है कि इंडिया में एक तो हेल्थ सेक्टर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है, डॉक्टर्स की संख्या बहुत कम है, रूरल एरिया में जो भी पब्लिक हेल्थ केयर हैं पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर हैं वो भी बहुत कम है, तो गवर्नमेंट को एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करना है, इसी के साथ जो लागत कॉस्ट है वो उसको भी सुनिश्चित करना है, मतलब जो NHP से नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन जो गवर्नमेंट का टारगेट रखा गया है मेनली NHPS नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन जो स्कीम है इसको कवरेज को अगर गवर्नमेंट को पूरा करना है तो लाभार्थी उनको प्रॉपर सुविधा मिलनी चाहिए। और एक बात में ये बात की जाती है कि जो भी लाभार्थी हैं इस चीज स्कीम के जो गवर्नमेंट अभी स्कीम लेके आई है आयुष्मान भारत, इस स्कीम का अगर सभी को लाभ उठाना है तो एक तो सारी स्कीम्स वो पूरे देश में इक्वल होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि इस स्टेट का आदमी है राजस्थान का तो उसे राजस्थान में फैसिलिटी मिली हरियाणा में नहीं मिल सके, मतलब हेल्थ कवरेज वो किसी भी सेक्टर में कहीं किसी भी स्टेट में प्राप्त कर सकता है। और मैं लिए डायबिटीज और जो हाई बीपी की जो प्रॉब्लम है जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आती है इनके ऊपर भी काफी राहत मिलेगी, गवर्नमेंट का बजट काफी अच्छा है। इसके बाद में कहा जाता है कि गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है वो लेके आना है, जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि कुछ स्टेट क्या करते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स इवन स्टेट और प्राइवेट सभी हॉस्पिटल्स की बात की गई है कि वो क्या कि गलत प्रैक्टिसेस का यूज़ करते हैं और फालतू के टेस्ट वगैरह लिख के गवर्नमेंट का पैसा है वो उसका मिसयूज़ करते हैं। तो एक तो इसको रेगुलेट करना होगा, रेगुलेशन हमें बढ़ाना होगा। इसी के साथ जो ट्रीटमेंट है उसको भी हमें ढंग से यूज़ करना होगा, मतलब ट्रीटमेंट है वो मैनली डिवाइड करना होगा, हमें अलग अलग बेसिस पे उसको लीकेज को रोकना होगा, क्योंकि ट्रीटमेंट की कॉस्टिंग है वो गवर्नमेंट को डिसाइड करनी होगी कि भाई इस ट्रीटमेंट की इतनी कॉस्ट होती है, ताकि उसके आधार पे क्या होगा ये लीकेज को कंट्रोल किया जा सके। तो ये इसका सजेशन दिया जाता है कि किस तरीके से जो डॉक्टर प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं वो गलत टेस्ट वगैरह लिखते हैं तो उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। और इसी के साथ जो असमानताएं हैं उनको भी दूर करने के लिए पब्लिक और प्राइवेट डॉक्टर्स पब्लिक और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके बीच में काफ़ी सिमिलरिटी और रेगुलेशन वो एक इक्वल रेगुलेशन लेके आने होंगे। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा कुछ स्टेप उठाने के लिए बात की जा रही है। अब चलते हैं हम अगले आर्टिकल की तरफ। अगला जो आर्टिकल है वो मेनली इंडिया और यूएस की न्यूक्लियर डील के बारे में है कि इंडिया और यूएस की जो सिविल न्यूक्लियर डील थी एग्रीमेंट थी उसके बारे में आर्टिकल कुछ पॉइंट्स बता रहा है, उसके बारे में डिस्कस किया गया है यहाँ पे। तो देखो मेनली राइटर है वो एक बात कहना चाहते हैं यहाँ पे, आपको बता देता हूँ मैं मेनली कि इसमें कहना क्या जा रहे हैं। इसमें मेनली इस बात पर फोकस किया गया है कि इंडिया और यूएस के बीच में जो न्यूक्लियर सिविल न्यूक्लियर डील एग्रीमेंट साइन हुआ था 2006 के टाइम पे, उस सिविल न्यूक्लियर डील के तहत गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे प्रावधान रखे थे, और उसके बाद दो कंपनीज भी थी जो ओबामा के टाइम पे दो कंपनीज के साथ एग्रीमेंट भी हुआ था, एक तो उनमें थी जी हिताची और एक थी तोशिबा वेस्टिंग हाउस कंपनी। इन दोनों कंपनियों की हेल्प से इंडिया में 6 न्यूक्लियर रिएक्टर स्थापित करने की बात थी, बट आर्टिकल ऐसा कह रहा है कि ये कंपनियां दोनों फेल हो चुकी हैं, मतलब दिवालिया घोषित हो गई हैं, और अभी ये दोनों हैं वो प्रॉपर ढंग से मतलब इंडिया में जो प्लांट स्टेबल करने की बात थी वो नहीं कर पा रही हैं, और ये एग्रीमेंट को भी काफ़ी साल हो गई हैं, काफ़ी साल पहले हुआ था एग्रीमेंट। तो भी राइटर का ऐसा कहना है कि गवर्नमेंट को अभी नए तरीके से दोबारा से न्यूक्लियर एनर्जी पर फोकस करना चाहिए, और इस डील को साइन मतलब ये जो डील साइन की थी उसमें कोई नेगोशिएशन नहीं करना चाहिए, और गवर्नमेंट को रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करना चाहिए। क्योंकि देखो आर्टिकल का ऐसा कहना है कि जिस टाइम पर डील साइन की गई थी ना उस टाइम पर इंडिया की और यूएस की सर्कमस्टांसेस अलग थी, मतलब उस टाइम पर इकोनॉमी की अलग डिमांड थी, इंडिया की अलग डिमांड थी, बट आज इंडिया अलग हालातों में उभर रहा है और आज
देखा जाए तो यूएसए की भी काफी जो चेंजेस हैं वो, एक तो पहली बात तो ये कही जा रही है कि जो अभी न्यूक्लियर डील थी ये भी कोस्ट के, मतलब कोस्ट के अकॉर्डिंग सही नहीं है, मतलब कोस्ट का फायदा नहीं हो रहा है इसमें, काफी महंगी हो रही है, तो इसलिए इंडिया को इस चीज में ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। दूसरा इसमें इस बात पर फोकस किया जाता है कि ये डील जब साइन तो हुई थी तो उसमें काफी अच्छे प्रावधान रखे गए थे, बट वो उस टाइम पे मतलब कंप्लीट नहीं हुआ प्रोजेक्ट, तो अभी आज के टाइम पे जो उसके टारगेट रखे गए थे वो रिलेवेंट नहीं है। आज के टाइम पे अलग डिमांड हो गई है विश्व की, अब सभी की, वो सारे पॉइंट यहाँ पे दिए गए। तो देखो स्टार्टिंग में तो मैं इसमें ऐसे ही कहा जाता है कि देखो जब अभी आसियान कंट्रीज आई थी 26 जनवरी को, तो उसी मौके पे आपको पता है कि आज से 3 साल पहले हैं वो बराक ओबामा आए थे इंडिया, इंडिया के रिपब्लिक डे के मौके पे, तो उस टाइम पे काफ़ी सारे एग्रीमेंट वगैरह साइन हुए थे, और उस टाइम पे काफ़ी वाई वाई बटोरी गई थी कि भाई इंडिया है वो उसने सिविल न्यूक्लियर ड्यूल एग्रीमेंट साइन किया था और इंडिया को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, वो सारी बात इसमें बताई गई है। बट बाद में एक आ जाता है कि 2009 में जो जी हिताची कंपनी और जो तोशिबा वेस्टिंग हाउस जो कंपनी के साथ मतलब नए पावर प्लांट बनाने की बात की गई थी, उसमें कहने की कुछ अभी कमियाँ रह रही हैं, और अभी होने वाला रिसेंटली है कि नेक्स्ट वीक जो यूएस की वेस्टिंग हाउस जो कंपनी है वो, जो कि अभी दिवालिया हो चुकी है और इस साल उसका काम तमाम हो जाएगा नॉर्मली, तो वेस्टिंग हाउस कंपनी के जो दो ऑफिशियल्स हैं वो मतलब इंडिया विजिट पे आएंगे और वो नेगोशिएशन करेंगे कि भाई इस डील के बारे में जो भी मतलब थोड़ा बहुत नेगोशिएशन हो सकता है उसके लिए स्टेप उठाए जाएंगे। तो आर्टिकल का राइटर का ये कहना है कि देखो इंडिया की डिमांड है वो आज अलग हो गई है, ग्लोबल पॉलिटिक्स है वो भी शिफ्ट हो गई है, उस टाइम पे इंडिया वो यूएसए के दबाव में था, आज ऐसी कोई बात नहीं है, और इंडिया की जो आज की जो परिस्थिति है जो सर्कमस्टेंसेस है वो काफी चेंज हो गई है, तो इसलिए इंडिया को अलग तरीके से रिएक्ट करना चाहिए और इंडिया को इन डील को आगे कंटिन्यू नहीं रखना चाहिए। क्योंकि देखो रिएक्टर, एक दूसरी बात यहाँ पे आती है कि जो ये वेस्टिंग हाउस जो कंपनी और जो जी हिताची जो कंपनी है ये केवल यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट बना नहीं रही थी, ये केवल और केवल पार्ट्स की सप्लाई कर रही थी, तो पार्ट की सप्लाई तो इंडिया की रशिया से भी ले सकता है, फ्रांस से भी ले सकता है, क्योंकि फ्रांस और रशिया की टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छी मानी जाएगी इस मामले में, और क्योंकि वो दोनों कंट्रीज हैं वो इंडिया को काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी प्रोवाइड करती हैं, इवन यूएसए भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है, बट यूएसए की टेक्नोलॉजी ज़्यादा महंगी आती है और फ्रांस और जो रशिया होती है वो हमें काफ़ी मतलब कम लिमिटेशन के साथ अच्छी चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करते हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट को उन पर फोकस करना चाहिए। और उसके बाद बात आती है ट्रंप महाशय की, तो राइटर कह रहे हैं देखो कि ट्रंप महाशय हैं उनका तो कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि ट्रंप महाशय हैं वो तो रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस ही नहीं कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि फॉसिल फ्यूल है उसको ज्यादा फोकस किया जाए, इसलिए तो उन्होंने पेरिस क्लाइमेट चेंज को मतलब पेरिस क्लाइमेट चेंज से पीछे हट गए थे, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि जो भी एनर्जी के सोर्सेज हैं उनको किसी को भी यूज करो, कोई एनर्जी कोई क्लाइमेट चेंज कुछ नहीं होता है, इन्वायरमेंट वगैरह ऐसे फालतू की बकवास बातें, तो उनके ट्रंप का जो स्टैंड है वो तो काफी अलग है, और ट्रंप है वो तो जीवाश्म ईंधन पे ज्यादा फोकस करें मतलब फॉसिल फ्यूल्स पे, तो इसलिए इंडिया और इंडिया का प्लान है कुछ अलग, क्योंकि इंडिया आपको पता है कि रिन्यूएबल एनर्जी पे ज्यादा फोकस कर रहा है और इंडिया अभी आपको पता है स्वदेशी इंडिजिनस चीजों पे ज्यादा फोकस कर रहा है, तो इसलिए गवर्नमेंट को भी खुद के अपने प्लांट्स वो बनाने चाहिए, ना कि दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंड रहना चाहिए, क्योंकि देखो जो इनलैंड साइट्स हैं वहां पे प्लांट बनाने की गवर्नमेंट है वो बात कर रही है, इनलैंड प्लांट्स इनलैंड साइट्स का मतलब ये होगा कि वो स्टेट जहां पे कोस्टल एरिया नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हो हरियाणा हुआ यूपी हुआ, तो मतलब वो एरिया जहां पे क्या है कि कोस्टल एरिया नहीं है उस एरिया पे गवर्नमेंट पावर प्लांट बना रही है ताकि ऊर्जा की जो डिमांड है 2024 तक काफी डिमांड हो जाएगी इंडिया में उसको पूरा करना है। तो बाद में राइटर कह रहे हैं देखो कि आज पूरे विश्व में जो न्यूक्लियर इंडस्ट्री है उसमें काफी चेंजेस आ गए हैं और न्यूक्लियर इंडस्ट्री वो पूरे विश्व में घाटे में जा रही है, मतलब कोई इक्की दुक्की कंपनी बची है जिनको खास प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि देखो एक तो सिक्योरिटी का काफी बड़ा मुद्दा आता है सामने, जब से जापान का फुकुशिमा का हादसा हुआ है उसके बाद तो क्या कि सभी कंट्रीज या सभी जो न्यूक्लियर इंडस्ट्री है उनमें एक तरीके से खलबली मच चुकी है, क्योंकि जापान की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है और उसके बाद वहां पर ऐसा हादसा हो गया तो बाकी कंट्रीज को भी ऐसा डर लग रहा है, तो इसलिए राइटर कह रहे हैं कि इंडिया वो अभी रिन्यूएबल एनर्जी पर ज्यादा फोकस कर रहा है और विंड एनर्जी पर इंडिया का फोकस बहुत अच्छा रहा है। फिर कुछ डाटा भी दिया गया ये आप यूज कर सकते हो, जैसे 2016 में देखा जाए विंड एनर्जी है वो 16% की दर से बढ़ी है और इसी के साथ सोलर एनर्जी को फोकस किया जाए सोलर एनर्जी है वो 30% की रेट से बढ़ी है, और वहीं देखा जाए न्यूक्लियर एनर्जी को तो न्यूक्लियर एनर्जी है वो केवल 1.4% की रेट से बढ़ी है। तो आप यहाँ पर इन डाटा से साफ साफ पता चल रहा है कि अभी जो न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर जो फोकस किया जाता था एनर्जी के लिए वो धीरे धीरे कम हो रहा है, लगातार तीव्र गति से कम हो रहा है इवन, तो और जो रही बात रिन्यूएबल एनर्जी पे वो लगातार बढ़ रहा है, और इंडिया भी आपको पता है कि सोलर एनर्जी के लिए बहुत सारे स्टेप उठा रहा है। पहली बात तो देखो ये आती है कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो काफ़ी कॉस्टली होती है, तो इसकी वजह अगर इसी कॉस्ट को अगर हम सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी पे फोकस करते हैं तो हमें पोल्यूशन का नुकसान मतलब पोल्यूशन भी नहीं होगा और हमारे हमारा जो क्लाइमेट चेंज का टारगेट रखा गया गवर्नमेंट उस टारगेट को भी अचीव कर सकती है। तो ये था आज का हमारा कंप्लीट आर्टिकल जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, तो आज की डिस्कशन में तो इतना ही है, इसी के साथ जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिया और वेबसाइट पे आपको क्वेश्चन है वो मिल जाएगा, और कल हम जो
जो एक हमारा आर्टिकल और रहा था जो हमने डिस्कस भी किया था एक दिन क्वेश्चन कि गांधी जी के बारे में, कि गांधी जी के आइडिया है वो आज के टाइम पे रिलेवेंट है नहीं है, तो उसके बारे में हो सकता है तो आज इवनिंग में या फिर कल उसके बारे में पूरा क्वेश्चन के साथ वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो काफी अच्छा होता है, काफी अच्छा मतलब आर्टिकल था और काफी अच्छे उसके पॉइंट्स थे, तो उस क्वेश्चन को हम पूरे अलग तरीके से डिस्कस करेंगे, मतलब मेनली आर्टिकल था उसको क्वेश्चन की फॉर्म में हम डिस्कस करेंगे कल, और उसके साथ जो हमारी बाकी जो सीरीज है पॉलिटिकल करंट अफेयर की रिविजन की वो आगे कंटिन्यू रहेगी। थैंक यू दोस्तों फॉर आज की डिस्कशन के लिए।